नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को आज भारत के महान विद्वानों में गिना जाता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति की रचना की। चाणक्य जी के विचार आज हमारे लिए बहुत सार्थक हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति के द्वारा ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जो आज हमारे जीवन में पूरी तरह से लागू होती हैं, और जो लोग चाणक्य नीति का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख शांति और सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर सीखने की लगन है तो आप हर छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े अनुभवों से काफी कुछ सीख सकते हैं। अपने अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा कीजिए और जो भी कुछ नया सीखने को मिलता है उसे सीखिए। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है कि हर व्यक्ति को कौए से 5 बातें सीखनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे, इसलिए लाइक जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, सभी ओर दृष्टि घुमाएं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस तरह से कौवा हर समय अपने चारों ओर दृष्टि जमाए रखता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने चारों तरफ हमेशा नजरें बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कौवा अपनी आंख से चारों तरफ अपनी नजरें बनाए रखता है ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे। इस तरह वो खुद की रक्षा करता है और अपने लिए सही मौके तलाशता है। चाणक्य कहते हैं हमें भी ये देखना चाहिए कि अभी हमारे हालात कैसे हैं, अभी हम अपनी लाइफ की कौन सी स्टेज पर हैं, हमारे पास क्या क्या मौके हैं, इन सब पर हमें अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं जहां से निकलना हमें मुश्किल लगने लगता है। उस समय हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए जिससे हम उन समस्याओं को ख़त्म कर सकें। इसलिए अपनी दृष्टि को कौए की तरह रखें और उसे हर तरफ घुमाएं। नंबर 2, हमेशा निडर बने रहें। दोस्तों, कौआ एक ऐसा पक्षी है जो स्वभाव से निडर होता है। वो जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है। अपने भोजन की तलाश में उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वह खुद को सतर्क रखता है, इसलिए उसका खुद पर भरोसा ही उसे निडर बनाता है। हमें कौए से ये सीखना चाहिए कि आखिर हम निडर कैसे बने रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कौए की तरह अगर हम भी खुद को सतर्क कर लें और खुद को मजबूत बना लें तो हमें भी किसी चीज का डर नहीं होगा। अगर आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे तो आपको कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं और हमेशा निडर रहें। नंबर 3, उपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कौआ अपने लिए हमेशा उपयोगी वस्तुओं का संचय करता रहता है। उसे जो भी बहुमूल्य वस्तु मिल जाती है उसे वह इकट्ठा कर लेता है, जिसका उपयोग अपने कठिन समय में करता है। कई बार देखने को मिलता है जब कौआ रोटी के टुकड़ों को उठाकर ले जाता है और उन्हें किसी सुनसान जगह पर संभाल देता है, और जब उसे कई बार भोजन नहीं मिलता तब वह उस रोटी का इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए करता है। चाणक्य कहते हैं मनुष्य को भी अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहिए। वस्तु इकट्ठा हो जाने के बाद उसकी देखभाल भी जरूरी होती है, और जिस व्यक्ति ने अपने सामान की सही देखभाल कर ली वह व्यक्ति उनसे अधिक खुशहाल होता है जो वस्तु की सुरक्षा करने के बजाय नई वस्तु खरीदते रहते हैं। इसलिए कौए से ये सीख लें और अपनी उपयोगी वस्तुओं को संभाल कर संचय करते रहें, क्योंकि आपका जमा किया हुआ सामान ही आपकी असली पूंजी होती है। नंबर 4, अपनी पत्नी के साथ एकांत में समय बिताएं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस तरह से कौआ एकांत पसंद करता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य को अपनी पत्नी या साथी के साथ एकांत में बहुमूल्य समय बिताना चाहिए। एकांत में जब आप किसी के लिए अपना समय निकालते हैं तो इससे आपकी दूसरों के लिए वैल्यू बढ़ जाती है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि जब हम किसी के लिए अपना समय निकालते हैं
तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए अपना समय निकाले। इससे हमारे आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं और रिश्तों में मिठास बढ़ जाती है। आज अधिकतर लोगों की यही समस्या है कि वो अपने परिवार या जीवन साथी के लिए समय नहीं निकाल पाते। अचानक फिर ऐसा भी समय आता है कि परिवार और जीवन साथी हमारे साथ नहीं होते या वह बदल जाते हैं, और ये सब हमारे समय ना देने के कारण ही होता है। इसलिए कौए की ये बात हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। नंबर 5, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। दोस्तों, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें, ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन हम लोग ऐसी बातों को सुनकर अक्सर भूल जाते हैं, जिसका बुरा परिणाम कई बार हमें भुगतना पड़ता है। हम अपने लिए नए दोस्त और रिश्ते ढूंढते रहते हैं और उनमें धोखा खा जाते हैं। कौवा कभी भी किसी पर सीधे विश्वास नहीं करता, वो विश्वास करता है तो सिर्फ खुद पर। उसे पता है कि उसकी क्षमता का कोई दूसरा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो किसी अन्य पर विश्वास नहीं करता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें भी अपनी जिंदगी में कभी भी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना चाहिए। भरोसा उसी व्यक्ति पर करें जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हों और पहचानते हों। थोड़े समय के लिए कोई भी व्यक्ति आपको भरोसा दिलाने वाला नाटक कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को या किसी अन्य पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें और आसानी से भरोसा ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।